बच के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई बार इन्होंने प्रशासन को अवगत करा दिया, सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनको सबको अवगत करवा दिया, लेकिन किसी ने इनकी कोई मदद नहीं करी। हम तो प्रशासन से एवं सारे राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाल कर इन पीड़ित किसानों का पैसा दिलवाए। ये 5-5, 10-10 बीघा के किसान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, कहाँ से ये घर चलाएंगे? अब अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो एक दो दिन और इंतजार करेंगे, बाद में उग्र आंदोलन होगा और पैसे हम वसूल करना भी फिर जानते हैं। अपनी धान का फसल का लगभग 58 लाख रुपए लेने के लिए पिछले 4 दिनों से रात दिन या अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उस व्यापारी पर कोई उचित कार्रवाई करके पैसा दिलाने की दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका प्रस्ताव बातचीत के लिए कई बार आया है, लेकिन ठोस प्रस्ताव नहीं आने के कारण हमने बातचीत नहीं की है, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि आज बातचीत होकर व्यापारी पर कार्रवाई करके प्रशासन किसानों का जो उनका हक का पैसा है, धान की फसल का पैसा है, जिसको पिछले 15 महीने से व्यापारी हड़प कर बैठा है, उसको दिलाने के लिए कार्रवाई करेगा। अन्यथा हमारा यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसान अपनी उपज के पैसे को प्राप्त करने के लिए आमरण अनशन या भूख हड़ताल भी कर सकता है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।